सुरभि को ससुराल वालों ने किया परेशान, एक्ट्रेस ने दिखाए सबूत। हेलो दोस्तों, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट। हाल ही में टीवी शो शगुन फेम एक्ट्रेस सुरभि तिवारी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया हुआ है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। टीवी शो शगुन फेम एक्ट्रेस सुरभि तिवारी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत परेशान है। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया है कि उनके ससुराल वालों ने शादी के 48 घंटे बाद ही उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, जैसे कि हर औरत करती है। लेकिन अब पानी सर पर से ऊपर जा चुका है और एक्ट्रेस को अब पुलिस की मदद लेनी पड़ी है। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने पति के खिलाफ डिवोर्स भी फाइल कर दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर अपनी दुख भरी दास्ता बताई। उनका ये इंटरव्यू टीवी एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा ने भी देखा, जो इस इंटरव्यू को देखने के बाद पूरी रात सो नहीं पाई और सुरभि से मुलाकात की और उन्हें ऐसी बातों का पता चला जो सुरभि ने किसी को अब तक नहीं बताई थी। शिखा ने सुरभि से बात करके जाना कि उनके ससुराल वाले पिछले 3.5 सालों से बहुत परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पति उन्हें व्हाट्सएप पर अजीब मैसेज भेजते थे। सुरभि ने व्हाट्सएप मैसेज के प्रिंटआउट भी दिखाए थे। इसके अलावा उनके पति एक्ट्रेस पर किए हुए खर्च का भी ब्यौरा मांगते थे। सुरभि ने एक्ट्रेस शिखा को ये भी बताया कि उनकी मेडिकल सिचुएशन ठीक नहीं थी और अपने इलाज के लिए उन्हें ट्रस्ट हॉस्पिटल यानी चैरिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पति उन्हें हॉस्पिटल में जाने के लिए खर्चा भी नहीं देते थे। सुरभि ने कहा, मैं ट्रस्ट के हॉस्पिटल में जाती थी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप HSG करवाइए, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। इस टेस्ट का खर्च करीब 5,500 से लेकर 6,500 रुपए तक होता है। इस टेस्ट में जो डाई अंदर डाली जाती है उससे काफी जलन होती है और इससे काफी तकलीफ भी होती है। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने वो टेस्ट जिसे लड़कियां बेहोशी की हालत में करवाती हैं, उसे मैंने होश में करवाया। मुझे बेबी चाहिए था लेकिन मेरे पति को नहीं चाहिए था और इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। शिखा ने सुरभि की इस हालत पर दुख जताते हुए कहा है कि एक एक्ट्रेस की ऐसे हालत होना बहुत दुखद खबर है। इतना ही नहीं, सुरभि ने यह भी बताया कि मेरे पति ने मुझे काम करने से मना कर दिया था ताकि मैं उन पर डिपेंड हो जाऊं। इसके बाद उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड तो दे दिया था लेकिन OTP उनके फोन पर जाता था, जिस पर वो मुझ पर किए खर्च का हिसाब मांगते थे। इतना ही नहीं, ऑटो तक के किराए का बिल उन्हें फोटो खींचकर पति को भेजना पड़ता था, जिससे उन्हें पता चल जाए कि मैंने कितना ट्रैवल किया है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने कैब ऑटो के सारे बिल्स को दिखाने पड़ते थे। एक्ट्रेस ने साथ साथ ये भी बताया कि उन्हें 20 रुपए की वड़ा पाव तक का हिसाब देना पड़ता था। वहीं सुरभि ने ये भी बताया कि उन पर पॉलिटिक्स में जाने का प्रेशर भी था। उनके पति चाहते थे कि वो MLA बन जाए। एक्ट्रेस कहती है, मेरी सास की एक कार आरा में है, 2 पटना में है, 1 दिल्ली में है, लेकिन बहू को ऑटो से ट्रैवल करना है क्योंकि पैसे नहीं है, क्योंकि बहू पॉलिटिक्स में नहीं गई, विधायक नहीं बन रही, वह पैसे बनाकर नहीं दे रही। इसी के साथ सुरभि ने वो सबूत भी दिखाए जिनसे पता चलता है कि वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से कितना परेशान है। आपके इस पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीवी और बॉलीवुड की तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो और लाइक करना ना भूलें।